चुनाव। अच्छा बढ़िया, नहीं बढ़िया है तुम्हारा, क्योंकि एक्सपोज एक्सपोज चल रहा है, हर दूसरा बंदा एक्सपोज किया जा रहा है। अरे दो चीजें हो गई हैं बेसिकली, एक तो वो पूजा भट्ट का फोन पकड़ में आ गया है, देखो 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 फोन यूज कर रही है, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, और दूसरा कल शाम में जब राशन आया उस पे भी आएंगे, तो पूजा भट्ट ने बोल दिया कि अब तुम हम में से एक तो चला जाएगा नेक्स्ट वीक। जो बात ये दो चारों लोग मिलकर बेडरूम में कर रहे थे, वो बात पूजा भट्ट को कैसे पता? लोग बोलने लगे देखो देखो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट चल रही है। फुद्दू की रुको, आंसर दूंगा मैं, क्या मुझे लगता सच क्या है वो तो कोई नहीं जानता, बट फिर भी हाँ। तो कल क्या हुआ, कल वो चल रहा था ऑडिशन टफ कास्टिंग कास्टिंग, और तुम्हें भी मालूम है मुझे भी मालूम है कास्टिंग इतनी गंदी करोगे तो फिल्म फ्लॉप होनी होनी है। साले पूरी भट्ट फैमिली ना सिर्फ गानों से ही अपनी फिल्म बचाते हैं, तुम इमरान हाशमी का करियर देख लो, जितने हिट सॉन्ग उसने दिए ना, फिल्म चली हो या ना चली हो गाने चले उसके। के और इमरान हाशमी हाँ, पहले तो मनीषा को डाल दिया था पासिंग शॉट में, और हीरो का दोस्त डाला था जैड को, जबकि हीरो अगर हीरो का दोस्त जैड है तो हीरो अविनाश हुआ, जब तुम में और मुझ में से कोई नहीं मानता है। एलविश को ना विलन डाला ना हीरो बोला, हीरो का तो कैटेगरी नहीं डाला था, वरना फिर असली मजा आता। तो जनता की वोट दी, जनता ने बोल दिया अच्छी तौबा अथू दोबारा मत करना। सही बात है, पूरे टाइम पूजा भट्ट को बोलती रही मनीषा रानी आपने गलत कर लिया है, कहती हाँ ठीक है तुम ही कर रहे हो तुम ही कर रहे हो, मेरे को जैसे लिखा कर लिया, जैसी आया तो प्रीमियम राशन चला गया, अब बेसिक राशन मिलना है। मनीषा रानी शुरू झाड़ना अभिषेक सपोर्ट में, वो फिर अच्छा हाँ ठीक है आप मास्टर माइंड है आप ज्ञानी है, अबे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सुन लेना। साले ये बंदी ना इतनी एरोगेंस है, इतनी एरोगेंस में आ चुकी है कि नहीं नहीं मैं दिल में कुछ नहीं रखती, सबसे ज्यादा दिल में रखती है ये गॉब्लिन, गॉब्लिन चल रहा ना जिसका, निकलेगी आराम मैं बता रहा हूं। उसके बाद अंडों पे बहस हो गई अंडों पे कि अंडे अनइक्वल थे, तो अविनाश कहता है कि हाँ 9 लोगों में बांट दो, पूजा भट्ट कह रही कि मुझे नहीं चाहिए तुम 8 लोगों में बांट दो, अविनाश कहता नहीं अपने हक लेना चाहिए तुम्हें। उस पर शुरू हो गया, अब अविन मनीषा रानी रोने लग गए बाथरूम में जाके, अभिषेक जाके शांत कर रहा था, फिर ये चारों पहुंच गए, चारों बात कर रहे थे कि भैया यहाँ से निकलने वाला हेलीकॉप्टर से अंडे पहुंचाऊंगा। बेबी का ने सुन लिया, बेबी का जाके चुगली मार आई। अबे यार भेड़िया क्या बात हो रही है, अंडों पे लड़ रहे हैं यार ये अंडों पे, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ बट पता इतना चला कि रात में जैड को आ गया गुस्सा, क्यों? क्योंकि ये चारों बैठ के मचा रहे थे, बाहर ही मचा रहे थे, बट उसकी तबीयत खराब थी उसको बुरा लग गया, पहले बेबी का के बोली फिर वो झाड़ पे आ गया, मैं कहा तेरा नाम झाड़ है साले, झाड़ तो रहेगा क्या साले, सो जा ना स्लीपिंग पिल्लो सो जा साले, एडजस्ट कर हम भी तो कर ही रहे हैं। खुद जब बहन के 10-10 बंदे, 10 तो नहीं थे मतलब 6-7 बंदे थे, तो बाहर बैठ कर क्या चुगलियां मारते थे, तब किसी को दिक्कत नहीं होती थी, अभी मैं सो रहा मेरे को दिक्कत है खुद्दू आदमी। अबे साले, और एक तो मेरे को बेबी का समझ में नहीं आता, दिन भर बेड में पड़ी रहती है दिन भर दिन भर, बट जब गाना बजता है सुबह सुबह तब बंदी नाचेगी, हर दिन एक ही स्टेप पे नाचेगी। साले तेरी सुबह तबीयत ठीक होती है और शाम में तबीयत ठीक होती है, ये कैसा हिसाब है तेरा? ये तो ये तबीयत दिन में मैं ठीक हूँ, दोपहर में मैं खराब हूँ। साले आज तक चिल्ला रही थी मैं सोती नहीं, सो गई लड़की आज कुकड़ों को, सोया तो अभी अलविश यादव भी है, मैं कहा कितना सो रहे हो यार तुम लोग, मैं नहीं बताऊंगा। तो बात करते हैं स्क्रिप्टिंग की, पूजा भट्ट मोबाइल लेके बैठी हुई थी जब ऑडिशन वाला टास्क चल रहा था, और मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि अगर तुम क्लोजली देखोगे उसने अपनी जेब से निकाला कुछ किया और फिर वापस जेब में रख लिया, और उसके अगले शॉट में, क्योंकि तुम छोटी सी क्लिप देख रहे हो, उसके अगले शॉट में वो अपना गाय बनी पड़ी थी, तो वो अपनी च्युइंगम खा रही थी हरामियों, छोटी क्लिप निकाल लिया, अरे देखो स्क्रिप्टेड कुछ भी। और दूसरा जो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसी खबर आ रही है कि इस वीकेंड के वार में फैमिली वीक होने के चांसेस है, और आलिया भट्ट और रणवीर सिंह के आने के चांसेस है, और चांसेस है कि पूजा भट्ट एलिमिनेट हो जाए, पूजा भट्ट को आलिया भट्ट लेके घर चली जाए। मैं नहीं कह सकता, ऐसे रूमर्स है, और ये मेरी प्रिडिक्शन थी बहुत पहले से, क्योंकि जैसा साजिद खान के साथ हुआ था, एंड में पहुंचा के साजिद खान को, भैया तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है तुम जाओ, प्रायर कमिटमेंट है तुम जाओ,
और ऐसा भी कहा जा रहा है कि पूजा भट्ट का सिर्फ 6 वीक का कॉन्ट्रैक्ट था जो इस वीकेंड के बारे में खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा ही हो जाए मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। पता क्यों? क्योंकि यार इन चारों को बैठ के नौटंकी करते हुए देखने में बड़ा मजा आता है। साला सोते सब है और जैसे ही कुकड़ू को बसता है ये सो रही थी, ये सो रहा था, ये सो रही थी। साले एक सीन में तो चारों के चारों सो गए थे और फिर एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। क्या 4 साल के बच्चे वाली हरकत है तुम्हारी? बात तो सही है बट इनको मैं फिर भी अलाउ कर दूंगा क्योंकि अगर बेबी का को मेकर्स ने ये अलाउ कर दिया कहना कि मेरे अंदर विनिंग पोटेंशियल नहीं है। साली तू यहां तक टेकी कैसे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कैसे। मैं नफरत करता हूँ और मैं बोल रहा हूँ हम जो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पे भी बोलेंगे कि तुम्हें भी पसंद नहीं है बेबी का। अरे बबीता डायन कैसे, अविनाश कैसे पहुंचा हुआ है, जैड हबीबी कैसे पहुंचा हुआ है, जिया शंकर का मैं समझ सकता हूँ, पूजा भट्ट का मैं समझ सकता हूँ, बाकियों का मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इन चार का तो बनता है, बाकी ये चार कैसे आ रखे हैं? हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। कल शाम में डिस्कशन कर रहे थे कि मैं विलन नहीं हूँ बिग बॉस, ये बता देना अब जनता क्या कह रही है। साले बिग बॉस बता देना तेरे को जनता क्या कह रही, तू उसी टाइम बैग पैक कर निकल जाएगी कि मैं दुनिया छोड़ के चल रही हूँ। मैं दुनिया अपनी छोड़ चला, जनता माफ नहीं करेगी। एक तो मुझे ये बताओ मैं समय में बुढ़ापे की तरफ ज्यादा चला गया हूँ या नए बच्चे ज्यादा आ गए हैं? क्योंकि ये एल्विश और अभिषेक ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं बिग बॉस प्रीमियर लीग, मेरे को तो पल्ले ही नहीं पड़ रही। साले हम कॉपी में खेलते थे पेज नंबर के साथ जब हम क्लासरूम में होते थे, ये कैसा खेल है मुझे भी सीखना है। मैं लेफ्ट आउट क्यों फील कर रहा हूं? मुझे फोमो हो गया, यस मेरे को यूज करना होता है ऐसे वर्ड ना, मैं सीख लेता हूं पर कभी यूज करने का मौका ही नहीं मिलता मुझे। हाँ बट छोड़ो किसी को पता होगा तो मुझे समझा देना, गेम पूरा जानना मुझे। हाँ इसके अलावा क्या लक्ष्य चौधरी ने एक और वीडियो बना दी है, कौन कितना मिल्क करता है? मिल्क तो 3 लोग ज्यादा कर रहे हैं भाई, असली बात तो यही है, न्यूज बॉय न्यून मैन और मैं, बस मेरे पे व्यूज नहीं आते उतने। बट एक क्लिप थी बहुत फनी, वो देखो मजा आएगा। बिग बॉस नॉमिनेशन की प्रक्रिया अब शुरू होती है, आप सभी घर वालों को एक एक नाम देने हैं, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगी वो सीधे सीधे नॉमिनेट हो जाएगा। मैं तो अजूबा भट्ट जी को नॉमिनेट करना चाहूंगा। मेरा वोट भी अजूबा भट्ट जी के लिए जाएगा। देखो जो चिरांद हरकतें इनकी हैं बिग बॉस, मेरा वोट भी अजूबा भट्ट जी के लिए है, मैं चाहता हूं ये नॉमिनेट हो जाए। बिग बॉस सभी घर वालों को बताना चाहते हैं कि ये एक प्रैंक था, अब आपको अजूबा जी से पंजा लड़ाना है और जो सबसे ज्यादा हारेगा वो बाहर हो जाएगा। और हार कर जीतने वाले को हम बाजीगर कहते हैं, सो इस खेल के बाजीगर है अजूबा भट्ट। अभी पब्लिक वोटिंग के बेसिस पे एविक्शन होगा, तब तक अजूबा जी आप मेडिकल रूम में आ जाइए। क्यों मुझे क्या हुआ है? अरे आप बीमार है ना? नहीं मैं तो ठीक हूँ। अरे नहीं आप बीमार है? अरे नहीं मैं ठीक हूँ। अभी आ जा वरना बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा खबर आ रही है कि पुनीत सुपरस्टार का इंस्टाग्राम सस्पेंडेड। उसके बाद एक क्लिप है जो वायरल जा रही है बट मुझे ट्विटर पे मिली है, अगर यूट्यूब पे मिल गई तो मैं दिखा दूंगा, नहीं मिली तो ये स्क्रीनशॉट है भाई, हम अपना आईफोन तोड़ रहा है। देखा साले 1.5 लाख का फोन है वो, कितने बच्चों को खिला देता खाना तू इसमें। उस समय पहले इसकी गाड़ी की EMI देने में प्रॉब्लम हो रही थी, अब ये 1.5 लाख का फोन तोड़ रहा है। मैं अच्छा भाई साहब सही कहा था किसी ने, तुम बनाओगे ऐसे इनका टाइम भी जाएगा वैसे। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा फुद्दू न्यूज है जो आ रही है पुणे से। अब इसमें पुणे आई लव पुणे जेन्युइनली, बहुत अच्छे लोग। तो बेसिकली वहाँ पे एक बंदा था वो बाइक से जा रहा था, उसका फोन चोरी हो गया। तो वो किसी बंदे से पूछा कि भाई साहब यहाँ पे कोई पुलिस स्टेशन है, मेरे को कंप्लेन करनी है। वो कहता है हाँ मेरे को सारे स्टेशन पता है, बस बदले में आप मेरे को सिगरेट पिला देना। ओके डन। तो बंदा सिगरेट की दुकान पे जाता है, उससे सिगरेट खरीदने के लिए उतरता है। तो जिस बंदे से मदद मांगी होती है ना वो बंदा उसकी गाड़ी लेके भाग जाता है। बस सोच रहा हूँ बंदे के दिल में क्या आया होगा, जिंदगी ने जिंदगी भर घूम दिए, पहले तो सिर्फ फोन था अब गाड़ी भी गई, बात 2-व्हीलर थी छोड़ो। बाकी कल तो पता चल जाएगा वीकेंड के बारे में, आशिका जारी है कि पूजा भट्ट चली जाए ना बस यार, मेरे को चैन आ जाएगा। सच बता रहा हूँ मैं, दिल से दुआ है मेरी जेन्युइनली। लीव अ लाइक अगर तुम भी चाहते हो पूजा भट्ट आलिया भट्ट के साथ अपने भट्ट फैमिली में चले जाए और वहीं पे चुप रहे, वहीं पे चबाए चारा डाले जो करना करे, मुझे नहीं सुनना, मैं बेबी का को झेल रहा हूँ। तुम
सोच रही हूँ पूजा पर चले गए तो फिर बेबी का क्या होगा वो देखने लायक होगा। लीव अ लाइक, मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट।